हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फिश माय वर्ल्ड। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। और दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने फ़िश के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, इसके लोग टिन फिन बार्ब के नाम से भी जानते हैं या फिर कई लोग टिन फॉयल बार्ब के नाम से भी जानते हैं। तो एक छोटी सी बेसिक जानकारी इसके लिए इसकी मैं लेके आया हूं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि मेरे एक्वेरियम में है ये, और काफ़ी लंबे अरसे से हैं, लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये फ़िश आप रख रहे हैं तो एटलीस्ट आप सबसे पहले तो कम से कम 3 से 3.5 फीट का टैंक ज़रूर रखें अपने पास, ताकि ये ईज़िली उसमें मूव कर पाएँ, क्योंकि इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, ग्रोथ जल्दी बड़ी करती हैं, और इनका साइज़ आराम से 11 से 12 इंच तक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रख रहे हैं तो पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने एक्वेरियम का साइज़ 3 से 3.5 फीट तक एटलीस्ट रखें। फिर मैं बात करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इनको रख रहे हैं तो इन फिशेज के साथ में छोटी फिशेज बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये एग्रेसिव फिशेज होती हैं। दूसरी फिशेज आप डालेंगे तो उनको काटती हैं। और ख़ास तौर पर दोस्तों, इसमें मैं जैसे बताना चाहूँगा कि आप इसमें अपनी छोटी फिशेज बिल्कुल ना जाने। छोटी से मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि हम कई लोग इसमें, तो आप लोग इनके साथ में बिल्कुल मौली या फिर गप्पी जैसी फिशेज तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अगर ये हैं तो ये उनको खा जाती हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें देखा है। अगर आप रखना चाहते हैं दूसरी फिशेज के साथ जो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉमेट गोल्ड फिश, अरवाना, ऑस्कर, पैरट, टाइगर बर्ब और जाइंट गुरामीज, सकर फिश, इनके साथ इजीली रख सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं मेरे पास भी इसमें एक शार्क भी डाली हुई है, जैसे कि मैंने, तो दोस्तों ये इनके साथ, पर मैंने बहुत छोटी लाया था तो तब से ये रह रही हैं, तो ऐसा इनके साथ कोई प्रॉब्लम मेरे पास तो अभी तक नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप छोटी फिशेज लाइए, ताकि ये अगर दूसरी फिशेज भी आप इसमें डालते हैं तो उनके साथ ये ईज़िली सर्वाइव करें और आसानी से उनके साथ मिलजुल सकें। और दोस्तों, अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं बताऊं, ये हार्डी फिश हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके बार बार पानी चेंज करने की भी ज़रूरत है। आप 15 से 17 दिन में अपने एक्वेरियम का पानी इजीली, आप 50 to 70% पानी आप चेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। बस दोस्तों, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लगा रहे हैं तो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम आप ज़रूर अच्छा लगाएँ, क्योंकि जितना अच्छा आप फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगाएँगे आपकी फ़िशेज की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, और आपका एक्वेरियम उतना ज़्यादा साफ़ रहेगा। अगर कोई भी आता है तो आपका एक्वेरियम अच्छा दिखेगा, आप तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप एक्वेरियम फिश लवर हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अगर आप अपना टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं टेम्परेचर इसमें आप 23 डिग्री से 28 डिग्री तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ख़ासतौर पर विंटर्स में। समर्स में तो हमारे हीटर की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर विंटर्स में मैं कहूँगा कि ज़रूर आप लगाएं, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है और कई बार ठंडे पानी की शिकायत की वजह से हमारी फिशेज जो हैं मर जाती हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इसमें हीटर ज़रूर लगाएं विंटर्स में। तो दोस्तों, ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ छोटे से टिप्स थे, तो ये रख सकते हैं आप। और अगर आप रखना चाहते हैं तो इन फिशेज को एटलीस्ट 3 से 5 फिशेज आप ज़रूर रखें, ताकि ये ग्रुप में मूव करें, और अगर ये ग्रुप में मूव करेंगी तो ये ज़रूर अच्छी लगेंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए कितने अच्छे से हैं, और ये बहुत अच्छा साइज़ हो गया है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो नज़दीक से थोड़ा सा, देख सकते हैं आप इनका साइज़ कितना अच्छा है और ग्रोथ कितनी वेल है इनकी। तो आप लोगों के साथ दोस्तों बस मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप रखना चाह रहे हैं तो ज़रूर रखिए। आप फिश लवर हैं, नए फिशेस डाल रहे हैं, तो आप इसको भी, ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप रखना चाह रहे हैं दोस्तों, आप ज़रूर रखिए। तो दोस्तों, बस मेरी यही इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं, नए लोग हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ फिश से संबंधित तो वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहले पहुँच सके और आप लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपने लाइक किया, उसके लिए थैंक यू सो मच।